दंतौली पुलिस थाना अंतर्गत एक सेंधमारी की घटना सामने आई है, जहां मालिक से विश्वासघात कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुख्यात ने लाखों का माल चुराया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। दरअसल धनतोली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले तिलक पत्रकार भवन के समीप क्षेत्र के निवासी 44 वर्षीय अजहर शेख का लैपटॉप बिक्री का कारोबार है, जिसका गोदाम धनतोली पुलिस थाना अंतर्गत क्षेत्र में स्थित है, जहां कई मजदूर काम करते हैं। उनमें से एक 20 वर्षीय बादल बाग जो सरस्वती नगर का निवासी है, उसने अपने साथी गोरखपुर निवासी जयसिंह चौहान और सरस्वती नगर तकिया निवासी नागेश वानखेड़े के साथ मिलकर लैपटॉप चोरी को अंजाम दिया। जब मामले की भनक गोदाम मालिक अजहर शेख को लगी तो उन्होंने गोदाम की सीसीटीवी खंगाली, जहां इन तीनों चोरों के करतूतों का पता चला, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए फरियादी ने धनतोली पुलिस थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर धनतोली पुलिस ने आरोपी बादल को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अनुक्रम से सबको हिरासत में लिया गया है, जहां चोरों के पास से 7 लैपटॉप ऐसा कुल मिलाकर 380,000 का मुद्देबाज जब्त किया है और आगे की जांच जारी है। धनतोली पुलिस थाना यहाँ पे 30 जनवरी 2024 को अजहर अहमद शेख जो लिनियो डेल और आसुस लैपटॉप की प्रिंजी कंपनी के विदर्भ के डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने कंप्लेन रजिस्टर की थी कि उनके लैपटॉप गोडाउन से कुछ लैपटॉप चोरी हो गए, 380,000 का मुद्देमाल चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस थाना धनतोली इन्होंने कलम धारा 381 IPC के तहत गुना रजिस्टर किया था। उस दिन के जो कर्तव्य पे जो अधिकारी थे PSI शेख और हमारी जो तपास पथक की टीम थी NPC सुभाष वासाड़े, NPC बालू और PC वृषभ, ये लोगों ने गुना रजिस्टर होते ही उस चीज़ पर यानी इन्वेस्टिगेशन किया। जो टेक्निकल इश्यूज है जो उस बेस पे सब CCTV फुटेज चेक करके वो कंपनी में काम करने वाले सभी जो स्टाफ है उनसे पूछताछ करने के बाद वहाँ पे वहाँ का काम छोड़ के गए हुए एक नागेश वानखेड़े रहना फकीरावाड़ी तकिया धनतोली, इसको ताबे में लेकर उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि काम जो है उसने उसके जो दो साथीदार है बादल नाजीवाग फकीरावाड़ी और जयंत सिंह भरत सिंह चौहान जो गोरखपुर MP का रहने वाला है, जो 6 महीना पहले ही काम छोड़ के चला गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।